हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों, अगर आपने भी अपना राशन कार्ड बनवा लिया है लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं कि हमारा राशन कार्ड अभी तक बना है या फिर नहीं बना है, दोस्तों आपने अपने राशन कार्ड को ऑनलाइन कराने के बाद आपने अपने राशन कार्ड की जो स्लिप है उसे जमा कर दिया है लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं पता कि आपका राशन कार्ड अभी बना है या फिर नहीं बना है, ये दोस्तों अगर आप जान पाएँ ऑनलाइन अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि दोस्तों अगर आपने अपना राशन कार्ड बनवा लिया है तो आप उसे कैसे चेक करेंगे कि आपका राशन कार्ड है बना है या फिर नहीं बना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है इस वेबसाइट पर जो कि दोस्तों FCS की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका दोस्तों लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप अपने ब्राउज़र में भी टाइप कर सकते हैं FCS.gov.in। जैसे ही आप FCS.gov.in यहाँ पर टाइप करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर विजिट हो जाएंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट होते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए होंगे लेकिन आपको यहाँ पर आना है महत्वपूर्ण लिंक वाले ऑप्शन पर और जस्ट उसके नीचे आपको मिलता है सेकेंड नंबर पर राशन कार्ड की पात्रता सूची, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस पर करना होगा क्लिक। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर ओपन होकर आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पर क्या करना है, सारे यहाँ पर आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे ही आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, टाउन एरिया और दूसरा ऑप्शन मिलता है ब्लॉक एरिया। अगर दोस्तों आप शहरी क्षेत्र से आते हैं यानी रूरल नहीं आप अर्बन क्षेत्र से आते हैं तो आपको टाउन वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको अपने जितने भी कस्बे दिए गए होंगे सारे कस्बों को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जो भी आपके टाउन एरिया में आते हैं। एंड दोस्तों अगर आप गाँव से हैं, रूरल एरिया से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको अपने ब्लॉक को यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर जैसे आप अपने ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं तो आपको सारी पंचायतें यहाँ पर मिल जाती हैं, आपकी जितनी भी पंचायतें होंगी आपके ग्राम पंचायत में सारी पंचायतें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको अपनी पंचायत को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जिसमें दोस्तों आपको सारी पंचायतें मिल जाती हैं। जैसे आप अपनी यहाँ पर पंचायत को सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर अपने जो भी कोटेदार है, दुकानदार है, उसका नाम आपको यहाँ पर मिलता है। तो जैसे जस्ट यहाँ पर जैसे कि दो यहाँ पर दुकानदार है, कोटेदार है, तो यहाँ पर दोनों का नाम यहाँ पर मिल रहा है। अगर दोस्तों आपके ग्राम पंचायत में एक ही कोटेदार थे तो आपको वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर राशन कार्ड यहाँ पर दिखाए गए होंगे, आपका जो भी कोटेदार है उसके सामने नीले रंग से नंबर दिए गए होंगे राशन कार्ड की संख्या, एंड दोस्तों दूसरे वाले के भी नंबर दिए गए होंगे। अगर एक ही है तो आपको जस्ट उस पर ही क्लिक कर देना है, अगर दो है तो दोस्तों आपको अपने हिसाब से चूज कर लेना है कि आपका कोटेदार कौन है। तो यहाँ से दोस्तों आप इस नंबर पर ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके ग्राम पंचायत की जो सारी लिस्ट है यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस राशन कार्ड नंबर पर तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपके ग्राम पंचायत की जो भी लिस्ट है यहाँ पर आ जाएगी। अब दोस्तों आपको अपना नाम क्या करना है इस लिस्ट में चेक कर लेना है। ये दोस्तों पूरी लिस्ट है आपके ग्राम पंचायत की, जितने भी दोस्तों राशन कार्ड यहाँ पर बने हैं वो दोस्तों आपको यहाँ पर सारे दिखाई दे रहे होंगे, सारे के सारे राशन कार्ड आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आपको क्या करना होगा, अपनी जो ग्राम पंचायत की लिस्ट है उसको यहाँ पर चेक करना होगा कि आपका नाम यहाँ पर आया है या फिर नहीं आया है। तो उसके लिए दोस्तों या फिर आप वन बाई वन यहाँ पर देख सकते हैं या फिर दोस्तों आपको क्या करना होगा, अगर आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर इस तरीके से एक थ्रू डॉट का एक विंडो मिलेगा। अगर आप गूगल क्रोम ब्राउज़र में देख रहे हैं तो आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है एंड उसके दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है फाइंड का ऑप्शन। तो दोस्तों आपको मोबाइल में मिलता है फाइंड का ऑप्शन, जैसे आप फाइंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सर्च का बटन मिल जाता है। सर्च का बटन मिलता है तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अगर दोस्तों आपने जो भी स्लिप जमा करी होगी ऑनलाइन कराकर उसमें दोस्तों एक राशन कार्ड संख्या मिली होगी, अगर वह राशन कार्ड संख्या है तो आप उस राशन कार्ड संख्या को यहाँ पर भी डाल सकते हैं या फिर दोस्तों आपका जो भी नाम आधार कार्ड में मुखिया का वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर एक नाम डालता हूँ दोस्तों तुरंत यहाँ पर एक नाम आ जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, हिंदी इंग्लिश टूल आपके मोबाइल में होना चाहिए जिससे कि दोस्तों आप हिंदी कर लेंगे अपने मोबाइल में और हिंदी करने के बाद दोस्तों आपको उसका नाम यहाँ पर डालना होगा। जैसे आप यहाँ पर नाम डालेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दोस्तों हिंदी में दोस्तों उसका जो नाम है यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर नाम डाल दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर तीन लोग इस नाम के आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर वन बाय वन इस तरीके से 1 2 3 करके आपको चेक कर लेना है कि आपका नाम है या फिर नहीं है। अगर है तो दोस्तों आपको उसी के सामने ही राशन कार्ड नंबर पर क्लिक करना है और आपके जितने भी मेम्बर्स होंगे आपके राशन कार्ड में वो सारे यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। आपको यहाँ से चेक कर लेना है कि आपका ही राशन कार्ड है या फिर नहीं है। अगर दोस्तों आपका राशन कार्ड है तो समझ लीजिए आपका राशन कार्ड बन गया है और आप उसे यहाँ से आसानी से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप
आप समझ गए होंगे कि आप किस प्रकार से अपने राशन कार्ड को चेक कर सकते हैं कि आपका राशन कार्ड बना है या फिर नहीं बना है। अगर दोस्तों आपका राशन कार्ड बन गया है तो आप इसे प्रिंट करके आसानी से राशन कार्ड कोटे से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन और इससे नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो में नेट ऑफिसर। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू।